बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी नेमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ मुहर्रमुल हराम के लिए स्पेशल रबड़ी खीर। तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को काइंडली पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले मैंने 11 किलो दूध है जो मैंने फ्रेश दूध फुल क्रीम मिल्क दूध लिया है उसको उबलने के लिए रख दिया हुआ है। और ये देखिए ये टूटियाँ और प्याले मिट्टी के मैंने भिगो दिए हैं 1 घंटा पहले पानी में। तो दूध को मैंने उबलने के लिए रखा हुआ था, साथ ही मैंने 1/2 किलो चावल लेके इनको 1 घंटा पहले भिगो दिया था, उनको भी मैंने उबलने के लिए रख दिया। इनको नरम सा कुक कर लेना है, फिर इनको स्ट्रेन कर लेना है। और दूध में मैंने इलायची का पाउडर भी और इलायची भी डाल दी हैं, इलायचियाँ भी। और अब दूध अच्छी तरह से उबल चुका है और इसमें मैं ये चावल जो है इनको अच्छी तरह से स्टेन करके, जो इनका पानी है बिल्कुल इसका स्टेन कर लिया था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये चावल मैं ऐसे ही डालूंगी, पकते पकते ही इतना इनको पकाना है। एक तो दूध का कलर वैसे ही बादामी सा कलर खीर का हो जाएगा और दूसरा ये चावल पकते पकते ही बहुत छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो इसको पकाऊंगी मैं तकरीबन 3 घंटे तक और पकाती रहूँगी। देखिए बहुत ही अच्छी और मज़े की खीर रबड़ी की तरह की तैयार होती है और इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाया है लेकिन मैंने इसको पूरे 3 घंटे तक पकाती रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता पकने से बहुत ही मज़े की खीर तैयार होती है। और देखिए पकाते हुए अब मुझे 1/2 घंटे से ऊपर हो चुका है चावल डालने के बाद। तो अभी भी ये दूध साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, मैं इस किनारे भी साथ साथ से साफ़ कर रही हूँ। अभी तकरीबन 1/4 घंटा हो चुका है उसको पकते हुए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली है, ब्रेड के मैंने 6 से 8 पीसेस ले लिए हैं, इनके मैंने किनारे भी कट कर लिए हैं और टुकड़ों में काट के चॉपर में डाल के मैं इनको इनका ब्रेड क्रम्स की तरह का बना लूँगी। आप चाहें तो आप इसको दूध में भिगो के तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ भी खीर का जो जायका है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और आपकी जो खीर है वो बहुत ही थिक सी हो जाती है। तो अब दूसरा तरीका ये है कि दूसरा मैं इसमें ये डाल रही हूँ, 11 किलो दूध था तो मैंने 12 किलो करना है, तो 1 लीटर का मैंने ये ऑलपर्स ले लिया है और 1 प्याली मैंने ड्राई मिल्क ले लिया है, कोई भी ले सकते हैं आप दूध। तो इसको इसके अंदर मिक्स करूँगी, हैंड बीटर से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी कोई अंदर से ड्राई मिल्क की गुटलियाँ ना बने। तो इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए हैंड बीटर से मैंने इसको मिक्स कर लिया ताकि गुटलियाँ ना बन सकें, तो ये शामिल कर दिया साथ ही मैंने। और अब इसको मज़ीद पकाऊँगी। और इसके बाद एक आखिरी वाली ट्रिक है जो कि बिल्कुल रबड़ी का टेस्ट देती है इस खीर में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए 1 चम्मच मैंने मीठा सोडा ले लिया है, जो आम मीठा सोडा हम खानों में इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने दूध के अंदर डाला। लेकिन इसको डालने से पहले आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, अगर तेज़ होगी तो आपका जो दूध है वो उबल के बाहर आ जाएगा। तो इसको क्योंकि एकदम ऊपर जाग बन जाती है और फिर इसको इससे ये होता है कि आपका जो दूध है वो खीर थिक हो जाती है और साथ में आपका जो इसका टेस्ट है ना वो बिल्कुल रबड़ी के जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको चूल्हे की फ्लेम को आपने कम कर देना ताकि आपका जो दूध है वो उबल के बाहर ना आए। और उसको अच्छी तरह से 7-7 चम्मच से मिक्स करते रहना है। और जब भी आप कोई खीर बनाने लगे तो आप यहाँ तो फिर बर्तन को आयल लगा लें हल्का हल्का सा, या फिर आप बर्तन में थोड़ा सा पहले पानी डाल के उबाल लें। तो ये देखिए मेरी बेटी ने माशाल्लाह से टूटियों के साथ सलाम या हुसैन लिखा है। अब खीर माशाल्लाह हमारी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने उसमें तकरीबन 2 किलो चीनी ऐड कर दी थी और मैंने ज़्यादा आपका वीडियो को लंबा नहीं किया, पकाया मैंने उसको 3 घंटे तक था। तो बहुत ही मज़े की बहुत अच्छी सी खीर हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत पकाया है माशाल्लाह। जो इस तरह की जो हम मुहर्रम में खाना बनाते हैं, कोई भी चीज़ कोई भी खाना बनाएं तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। माशाल्लाह मैंने आज सबकी वीडियो वॉच की है, बहुत सारे लोगों ने बहुत से खाने बना के तो न्याज दिलाई है। तो अल्लाह ताला सबका कबूल फरमाए और सबकी रिस्क में बरकत दे। तो ये अब रूम टेम्परेचर पे मैंने रखती हुई थी, वैसे तो कम रूम में एसी था तो लगा हुआ, उस वजह से ठंडी हो चुकी है।
तो अब इसमें डाल देंगे तो और मज़ीद ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको सजाएंगे। और ये हमारा बचपन में पसंदीदा अमल रहा है, हम सब बहन भाई मिलके, तो हमारी अम्मी खीर बना के तो इस तरह डाला करती थी। तो हम उंगलियों के साथ ये जो जर्दा कलर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर मेवे वगैरह और जो भी आप डालना चाहें, तो अब इसको मैं सारे को फिल करके रख लूँगी और फिर ये माशाल्लाह सारा कुछ ठंडा हो जाएगा तो फिर बच्चों में तकसीम की जाएगी। तो खीर बनाइए आप इस तरीके से, बहुत ही मज़े की रबड़ी वाली खीर तैयार होती है और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का और अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो चलिए मैं एंड पे दुआ कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक में, इस मुकद्दस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का सदका हमारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ करे, और अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर बरकत और हलाल रिज़्क़ अता करे, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें अपनी पसंदीदा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमसे राज़ी हो जाए, आमीन सुमा। और हज़रत इमाम हुसैन के सब्र इस्तक़लाल, उनकी तालीमात और उनकी शुजात को सारी दुनिया मानती है, सारे मज़हब, हर मज़हब के मानने वाले लोग उनको मानते हैं, और इस तरह फिर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये तालीमात और जो करबला वाक़या करबला है वो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सब पर, आप सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह हाफिज़।